उमेश पाल शूटआउट कांड में शामिल शूटरों के एनकाउंटर की जांच करने पहुंची न्यायिक आयोग की टीम। प्रयागराज में बीते 24 फरवरी को उमेश पाल को दिनदहाड़े गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके बाद से पुलिस की टीमें लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। सोमवार को शासन की तरफ से बनाई गई न्यायिक आयोग की 5 सदस्यीय टीम प्रयागराज पहुंची, जहां टीम ने दोनों एनकाउंटर स्थल पर जाकर निरीक्षण और पूछताछ की। बीते 6 मार्च को कोंधियारा थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा विजय चौधरी उर्फ उस्मान नाम के आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया गया था। वहीं एक अन्य शूटर अरबाज को धूमनगंज इलाके के नेहरू पार्क में एनकाउंटर में मारा गया था। एनकाउंटर में मारे गए दोनों आरोपी के घटनास्थल पर न्यायिक आयोग की टीम बारीकी से जाँच कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई और कुछ सुराग भी जुटाए गए हैं। टीम जल्दी ही जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। महंगे बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका आरओआई 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।